तो जी आज की वीडियो में हम जा रहे हैं सुफे और तल्ला ने ज्वाइन किया आज की वीडियो में। मुझे बोर हो रहे थे, मैंने कहा यार बाहर जाते हैं, तो तल्ला ने कहा कि चलो चलते हैं। तल्ला भाई ने भी कहीं बाहर नहीं जाना, तो मैंने कहा यार साथ जाते हैं, इकट्ठे कहीं पे बैठ के थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। अभी बाहर से कुछ सामान खरीदते हैं क्योंकि हमने पहाड़ के ऊपर जाना है। हमें वहाँ से व्यू भी अच्छा नज़र आता है सुफे का, वो भी आपको दिखाएंगे और हम खुद भी देखेंगे। अभी स्नैप आ गई है, लेट हो रहे हैं काफ़ी और शाम भी हो गई है काफ़ी। ये देखें तो इन जी फाइनली हम सुफे पहुंच गए हैं, लेकिन लाइट की कमी है जिसकी वजह से वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। और ये मैं आपको हर बार कहता था कि मैं आपको उसका आसमान का व्यू दिखाऊंगा, ये सारा। अभी थोड़ा सा और हाइट पे जाएंगे वहाँ से तो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ये हम थोड़ा सा और हाइट पे आगे नीचे, वरना नीचे बहुत फैमिलीज जो थे वो यहाँ पर आके पिकनिक मनाते हैं, मीन के इंजॉय करते हैं सारा कुछ। इसको साइड पर ये वाली साइड है ना, मतलब थोड़ा उस साइड पे, वहाँ पे पार्क वगैरह भी मीन्स के झूले वगैरह आ जाते हैं और बाकी सारा का सारा ग्रास वगैरह है पड़ा। तो ये लाइट्स ऑलमोस्ट अपन सारा ट्रैक नज़र आता है, ये देख लें सारा वहाँ तक ऊपर तक ट्रैक है पड़ा। मीन्स के तकरीबन आप 1500 की जो हाइट है 1500 मीटर तक आप जा सकते हैं, बाकी उसके ऊपर आपको फिर हैकिंग करनी पड़ती है। उस तक ये ट्रैक बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर आपको फिर पहाड़ों के पत्थरों के ऊपर चढ़ के चोटी को हाथ लगाना होगा। तो जी सफ़र स्टार्ट हुआ था डोम से सुफे पे, फिर लाइट कम थी, हम थोड़ा बैठे, थोड़ा बहुत वीडियो बनाई थी लेकिन लाइट ना होने की वजह से सही क्वालिटी नहीं आई वीडियो की। और तल्ला तो मेरे साथ था ही, लेकिन अभी हमने एक और बंदे को ढूंढ लिया है, मेहदी आ गए हमारे साथ। मेहदी भी बाहर थे तो मेहदी को मैसेज किया गया यार हम इस कैफे में आ रहे हैं तो आप भी आए लिहाजा, लेकिन आ गए बदकिस्मती से कि वो कैफे बंद था, लेकिन फील मेरे को लगा फिर भी हम आ गए हैं चहार बाग से निकल के, जहाँ पे चहार बाग आए हैं, चहार बाग का व्यू देखा है और आपको भी दिखा रहे हैं। मैंने कहा हमने तो बहुत बार देखा हुआ है लेकिन व्यूवर्स ने देखा हुआ, लेकिन अब तल्ला भाई हमें फील्ड में लेके जा रहे हैं। आज पैसे आए थे तल्ला भाई के, तो कहा कि यार कोई नहीं दोस्तों पे खर्च करना चाहिए, तल्ला भाई लेके जा रहे हैं ना, तो जी ये कुछ व्यू है चहार बाग, अच्छी जगह है घूमने के लिए। आपको कैफेज वगैरह भी मिल जाएंगे सारे, शॉपिंग के लिए भी अच्छा है, सस्ता भी पड़ता है, इनके ज़्यादा महंगे नहीं है। और शॉपिंग आपको हर तरह की, मीन के अपने शूज़ लेने हैं, ड्रेस लेना है और जो भी स्टफ होता है शॉपिंग के लिए वो आपको अच्छा मिल जाएगा यहाँ से और मुनासिब कीमत में। तो अगर आपका सुहान में कभी आना हुआ तो चहार बाग का ज़रूर विज़िट करें, सुफे का विज़िट करें, उसके बाद सीओसी पुल इसी की बैक साइड पे पड़ा उसका विजिट करें। सीओसी पुल बेसिकली जब पानी हो तो फिर उस टाइम अच्छा लगता है, लेकिन अभी पानी ख़त्म हो गया है तो वो मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी घूमने के लिए अच्छा है शाम के वक्त जब लाइट्स वगैरह रोशन होती हैं तो उस वक्त काफ़ी अच्छा व्यू नज़र आता है। बाकी और बहुत सारे पॉइंट हैं इंशाल्लाह, जहाँ तक जब जब हम जाएँगे फ्री टाइम होगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। तो नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज बाहर घूमने आए हुए थे, तो हम चार बाग में घूमते घूमते यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो हमें सिर्फ एक ही होटल यहाँ पर खुला हुआ मिला, कैंट की बार ये देखें। तो हम जाते हैं अमर भाई की तरफ और मैदी की तरफ। काफी बार पहुँच गए हैं, ये कंडकी हाउस है यहाँ का चार बाग में न्यू। तो आज तल्ला भाई को मैंने कहा थोड़ी सी व्लॉगिंग आप भी कर लो यार, मैं हर बार करता हूँ तो थोड़ा व्यूवर्स को नया बंदा देखने को मिलेगा, व्लॉगिंग करने का नया तरीका जो है ना वो तल्ला भाई अभी इंट्रोड्यूस करा है। इस तरह आएंगे दोस्त आते रहेंगे यार, व्लॉग आते रहेंगे, अभी हम डिसाइड करें। ये सामने मेनू
यहाँ से अभी हमने एक पिज्ज़ा सिलेक्ट किया है, फ्रेंच फ्राइज सिलेक्ट किए हैं, बर्गर सिलेक्ट किया है और साथ में जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होंगे। तो हम ऑर्डर करके जब हमारा ऑर्डर रेडी होगा फिर आपको दिखाते हैं। तो जी फाइनली काफ़ी टाइम बाद हमारा खाना ये है जी, पिज़्ज़ा मुर्ग और ये तंतुनी के तंतुनी और ये नया उन्होंने ऐड किया है कंटेकी पूल ने, नई डिश ऐड की थी, मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं। बाकी पिज़्ज़ा वगैरह तो खाते रहते हैं ये हमारे प्यारे मेहदी भाई और इधर से मजलूम बेचारा हमारा तला भाई साहब। तो हम खाना एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं वक्फे के बाद। तो अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं तो इसका नाम सीओसी पुल है, इस्फहान में ये सबसे मशहूर जगह है घूमने के हवाले से भी और एक हिस्टोरिकल प्लेस। और आज से तकरीबन काफ़ी साल पहले, एग्जैक्ट तो मैं नहीं, इनके ऑलमोस्ट अगर मेरे लिहाज से देखा जाए तो इनके मिनिमम जो मैं बता सकता हूँ 50-60 साल और उससे भी ज़्यादा का 100 साल। तो यहाँ पे एक ईरानी एक आलम दीन थे और ईरानी इंजीनियर थे जिसने तकरीबन इस्फहान में 11 पुल बनाए थे और उनमें से सीओसी पुल और एक पुल खाजू भी है, पुल फिलजी भी है। अगर तला भाई अगर दिखा सकें उस पाई टाइप पड़ा, ये सामने लाइट, ये सामने आपको लाइट नजर आ रही है, ये पुल मरनान है। इसके बैक साइड पे भी एक थोड़ी सी लाइटें नजर आ रही है, अंधेरे की वजह से नजर नहीं आएगा, पुल फिलजी है पड़ा सही है। और इसके जो इस साइड पे जिस यहाँ पे हम खड़े हैं हमारी बैक साइड पे पुल खाजू आ जाता है और भी काफी सारे पुल हैं, लेकिन जो मेन दो मशहूर पुल हैं एक पुल खाजू है और एक पुल सीओसी पुल जहाँ पे हम खड़े हैं। और ये रहरो देख लें आप इस साइड पे, ये बैक कैमरा देखो, बैक कैमरा करके देखो ना वहां, तो ये बिल्कुल रहरो और इस सारा का सारा सीन है बड़ा। और यहाँ पे बेसिकली अभी तो पानी खत्म हो गया है वरना ये भाई मोबाइल नीचे गिर जाएगा। तो ये सारा यहाँ पे पानी होता है तकरीबन आज से, इन्हें पूरे खाजू पे दिखाते हैं इतना। और ये व्यू था इसका रारो का और ये मेन व्यू है सीओसी पुल का यहाँ पे। आज बस थोड़ा सा हम लेट पहुंचे, रश काफी होता है लेकिन जब पानी यहाँ पे होता है तो फिर वो सामने जो बड़ी लाइट है वो पुल खाजू की लाइट है, वो वाली जो सामने मेन लाइट नजर आ रही है ना उस साइड पे, वो पुल इसके बैक साइड पे खाजू है। ये पुल एक और पुल है एडवेंचर पार्क, ये एडवेंचर पार्क आ जाती है, इसके बैक साइड पे जो एक पुल आता है वो पुल खाजू है। और यहाँ पर ये भी नया चांद निकला हुआ ज़िकत का, माशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़िकत के सदके हमें हमारी नेक ख्वाहिशात को अपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और जब यार इंसान दोस्तों के साथ होता है ना व्लॉग का मजा ही कुछ और होता है और घूमने का मजा भी कुछ और होता है। तो ये था आज का हमारा व्लॉग और इंशाल्लाह आपको और भी बहुत सारे व्लॉग देखने को मिलेंगे, लेकिन आपकी सपोर्ट के साथ चैनल को अगर आप देखते हैं वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेहदी भाई क्या करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और सबके साथ शेयर करें। दैट्स गुड।